हाय एवरीवन, दिस इज आशीष बाजपेई और आज हम यहाँ पे गॉस लॉ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स जेई मेंस में रिसेंटली पूछे गए हैं उनको हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है जेई मेंस 2018 में पूछा गया, यानी इसी साल पूछा गया है क्वेश्चन। एंड अगर मैं आपको बताऊँ कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए, अगर आप एनसीईआरटी करे रहते तो कभी कभी बिल्कुल सिंपल, यानी कि आप देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन अगर आपका करा हुआ ना हो तो ये इतना इजी भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक चार्ज क्यू जो है प्लेस किया गया है, ठीक है, कैपिटल क्यू कर लीजिए इसको। चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ए बाई टू अबाउट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर सर्फेस ऑफ एज ए एज सोन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर सर्फेस इज। तो इस सर्फेस से जो कि स्क्वायर, कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रही, तो हमें क्या करना है, इसको इनक्लोज्ड करना है चार्ज, ठीक है। तो इनक्लोज्ड करेंगे अगर हम इस चार्ज को, तो हम एक क्यूब बना लेंगे ऐसे, ठीक है, बड़ा गंदा क्यूब बना है, अच्छा क्यूब बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर बीच में आपने एक चार्ज रखा जो कि a बाई टू डिस्टेंस, और हमसे पूछा जा रहा है कि इससे, तो ये मैंने इमेजिनरी क्यूब बना लिया है। तो यहां पर जो है पूछा गया कितना फ्लक्स इस स्क्वायर सरफेस से पास हो रहा है। तो टोटल जो फ्लक्स है ई डॉट डी एस, यू नो कि आपको पता ही है क्लोज्ड इंटरवल ई डॉट डी एस, ये जो है टोटल फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज सरफेस, वो उसका वैल्यू होता है क्यू इन, समेशन क्यू इन चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये होता है टोटल फ्लक्स। अब देखिए, ये सिमेट्रिकल है, ये छः यहाँ पर आप जानते हैं कि सिक्स फेसेस होते हैं क्यूब में, और आपसे केवल एक क्यूब से पूछ रहे हैं, यानी कि इक्वली जितना फ्लक्स इधर से जाएगा, जितना इधर से जाएगा, जितना इधर से जाएगा, तो इधर से कितना जाएगा, 1/6 पार्ट ऑफ दिस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का 1/6 पार्ट जो है इस बेस से जाएगा। तो ये आपका आंसर बी होगा एंड द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड फ्रॉम डायरेक्ट एनसीईआरटी। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। अब गाइज, हम लोग जेई मेंस 2017 में जो क्वेश्चन आया था उसको देखते हैं कि क्या पूछा गया था। तो बड़ा ही ये आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गॉस लॉ से। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है फोर क्लोज्ड सरफेस एंड करस्पॉन्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर सोन, सो रिस्पेक्टिव फ्लक्स फॉर ई सरफेस इज गिवेन आर फाई वन इज फॉर एस वन, फाई टू इज फॉर एस टू एंड फाई थ्री इज फॉर एस थ्री एंड फाई फोर इज फॉर एस फोर। देन हमें इनके फ्लक्स के बीच में रिलेशन निकालना है। तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपका, वो गॉस लॉ के हिसाब से क्या होता है कि दिस इज इक्वल टू समेशन क्यू इनक्लोज्ड, ठीक है, जितना भी चार्ज है उसको आप सम कर लें क्यू इनक्लोज, ध्यान रखना जो सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है उसी को केवल लिया जाता है, और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं तो फ्लक्स आता है। तो पहले के लिए फाई वन अगर हम लिखें तो कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, अब देखिए 2q है इस क्लोज सरफेस के अंदर, तो 2q बाई एप्सिलॉन नॉट फाई वन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फाई टू क्या होगा, कितने प्लस चार्ज है, 3q, और उसमें से एक माइनस हो रहा है, तो 3q माइनस q कितना हो जाएगा, 2q ही होगा। तो यानी कि फाई वन और फाई टू बराबर होगा, केवल इसी में फाई वन फाई टू बराबर आ रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो, जो इनक्लोज बाहर वाले से कोई मतलब नहीं, हमें अंदर वालों को देखना है, सो दैट विल बी 2q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से 5, 4 अगर हम इनक्लोज देखें, तो यहाँ पर देखो कितना है, 8 और 6 माइनस है, तो ये भी नेट 2q ही आ रहा है, तो 2q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बड़े आसानी के साथ आप देख सकते हैं कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री जेई मेन्स 2015 का क्वेश्चन है गॉस लॉ चैप्टर से. एंड द क्वेश्चन इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेल कैरीज अ सरफेस चार्ज रो इन द सरफेस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है इन द अपर हाफ एंड नेगेटिव सरफेस डेंसिटी चार्ज डेंसिटी इन द लोअर हाफ. हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल लुक. तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी दिखेंगी. ठीक है, तो गाइज यहाँ पर देखिए आप हमेशा ध्यान रखें जो भी चार्ज पॉजिटिव से जा रहा है अगर उसके पास लाइक जो भी फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से निकल रही हैं उनको निगेटिव में जाना चाहिए अगर पॉसिबिलिटी है तो. अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो इन्फिनिटी पे जाएंगे. इसी तरीके से जितने भी जो टर्मिनेशन है पॉजिटिव लाइन्स का उनका निगेटिव में होना चाहिए. ठीक है, अभी देख रहे हो यहाँ से पॉजिटिव से निकल रही हैं लेकिन इन्फिनिटी को जा रही हैं इसलिए डी यहाँ पर नहीं होगा. ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए बी भी नहीं होगा. सी में देखिए क्या हो रहा है, सी में भी इसी टाइप की चीज़ हो रही है गाइस. और साथ में आपको ये भी देखना है कि जो नेट आपका जो डायमेट्रिकली पॉइंट है ना वहाँ पे आपकी जो मैग्नेटिक वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, टेंजेंशियली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है अगर पॉजिटिव की तरफ आप करें और ये निगेटिव की तरफ करें तो जो इनका नेट डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होना चाहिए लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसलिए आपका सी भी नहीं होगा. तो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज़ ए. तो आप देखिए कितने आसान क्वेश्चन लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पूछे जा रहे हैं, फ्लक्स पे किस तरीके से ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं. तो गाइज फिजिक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ढंग से जो है कॉन्सेप्चुअली पढ़ने की ज़रूरत है. तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ. तो चलिए देखते हैं हम लोग जेई 2014 में जो है हमारे इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आया था गॉस लॉ से. तो क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन इन स्पेस बाय. तो देखिए यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, ए नॉट वगैरह की वैल्यू दी है. द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू अ सर्कुलर सर्फेस ऑफ रेडियस पैरेलल टू वाई जेड प्लेन इज नियरली. ठीक है, तो समझिए बात को बहुत ही अच्छे से कि यहाँ पर जो फ्लक्स निकाला जाएगा बिकॉज चार्ज वगैरह तो दिया नहीं तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर ये हमको निकालना होगा यानी डॉट प्रोडक्ट करना होगा. तो डायरेक्शन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है. तो देखिए गाइज ये y एक्सिस ली मैंने और इसको लिया x एज यूजुअल और z जो है वो आपकी तरफ है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो आप आई जे से समझ ही सकते हैं. ये जो एरिया के बारे में कह रहे हैं वो हम यहाँ पर समझना चाहेंगे. तो देखिए ये बॉक्स मैं लेता हूँ और ये वाई जेड प्लेन है, जेड आपकी तरफ है. तो ये जो आपका सर्कुलर है ये हालांकि सर्कुलर नहीं है, ये जो सर्कुलर सरफेस है वो पैरेलल टू वाई जेड प्लेन है, मतलब ऐसे है. अब आप देखिए कि एक फ्लक्स की डायरेक्शन आपकी आई डायरेक्शन में, मतलब ऐसे. तो ये देखिए फ्लक्स इसको कट कर रही है एरिया से लेकिन जो जे वाली है वो इसको कभी कट नहीं कर पाएगी बिकॉज इसमें कोई विथ नहीं होती है. ठीक है, तो समझ में आ रही बात को. तो इसका मतलब बेसिकली जो ई नॉट आई है ये वाला यही आपका मल्टीप्लाई होगा जो एरिया हमारी पैरेलल टू वाई जेड है दैट इज पाई आर स्क्वायर. तो ये आंसर होने वाला है हमारा E नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर. ई नॉट की वैल्यू है 100, पाई सारी दुनिया जानती है कि 3.14 होता है और रेडियस आर स्क्वायर करना पड़ेगा दैट इज 2×10^-2 का स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर. तो यानी कि 10^-4 और 2 ख़त्म करो तो 10^-2 होता है. तो 4 तो बहुत ही आसान है. देखो 4×3 = 12 and 42. अब 12.42 ठीक है × 10^-2 विच कैन बी रिटन एज 0.1242 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब जो कि क्लोज किससे है, ना तो ये महान है ना तो ये महान है. दिस ए ऑप्शन इज क्लोज टू इट. तो थोड़ा सा डायरेक्शन की अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी है, जैसा कि जब हम एस सी वर्मा सॉल्व कर रहे थे तो कई जगह आप देखते कि डायरेक्शन हम इसी तरीके से ले रहे हैं, उसी स्टाइल से डायरेक्शन लेने पर आप देख रहे हैं कि आसानी से क्वेश्चन हो जा रहा है. चलिए हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ. तो चलिए देखते हैं अब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में. ठीक है,
और यहाँ पे थ्री पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट इक्विलेटरल ट्राइंगल वर्टिसेस रिजल्टिंग लाइंस ऑफ फोर्स विल बी। तो देखिए ये तो बिल्कुल गलत है, इस तरीके से गोल 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 थोड़ी नहीं होती है ना। जो भी पॉजिटिव चार्ज से होती हैं वो क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज वाली लाइंस को रिपल करती हैं और वो इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे अगर माइनस नहीं है तो। इस तरह लूप नहीं बना सकती, ठीक है। यहाँ पर भी लूप बन रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर आप देखें तो बी और सी हो सकता है, पर बी में देखिए अंदर लूप बना हुआ, इस कारण से नहीं होगा। सी में ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को वो हो सकता है कि टच कर रहे हैं, टच तो कर ही सकते ना, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक डायरेक्शन तो हो ही सकता है नेट, ठीक है। यहाँ पे कोई दो डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए बड़े ही आसानी के साथ हमने देखा कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो आपको अगर डर लगता हो कि गॉस थ्योरम से क्या आएगा, तो आपने देख लिए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस गॉस थ्योरम से पूछे गए हैं। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई भी डरने और घबराने की बात है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर विद मोर ऑसम प्रॉब्लम्स। बाय बाय।